उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हैदराबाद जैसी घटना सामने आई है, जहां गुरुवार को कुछ लोगों ने एक दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने का प्रयास किया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना उस वक्त घटी जब पीड़िता रेप के मुकदमे की तारीख पर रायबरेली जा रही थी। आरोपियों ने पहले तो युवती को पीटा, उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे युवती बुरी तरह आग से झुलस गई। इस मामले में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता 90% जल चुकी है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP OP सिंह ने बताया, पीड़िता को जलाने की घटना बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उसे लखनऊ रेफर किया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस सभी की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। हमने पीड़िता का स्टेटमेंट भी लिया है, जो मामले में बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्नाव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे ने बताया, घटना बिहार थाना क्षेत्र के हिंदू नगर गाँव की है। पीड़िता अपने मुकदमे के सिलसिले में वकील से मिलने रायबरेली जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पीड़िता को जलाने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। पीड़िता को तत्काल अस्पताल भेजा गया। पीड़िता ने जिन लोगों के नाम बताए, उनमें से कुछ लोग पकड़ गए और अन्य पकड़े जा रहे हैं। मौके पर सारे बड़े अधिकारी मौजूद हैं। युवती ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर में अपने बयान में कहा कि आज वो सुबह 4 बजे उसके साथ हुए बलात्कार के मुकदमे की पैरवी करने, जिसकी आज तारीख लगी हुई थी, रायबरेली जा रही थी। अभी रास्ते में 5 लोग, हरिशंकर त्रिवेदी, रामकिशोर, शुभम त्रिवेदी, शिवम त्रिवेदी व उमेश वाजपेयी ने, जो उसके गांव के ही निवासी थे, पहले तो घेर कर पीटा और फिर शरीर पर तेल डालकर आग लगा दी। इन 5 में से 2 शिवम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी ने उसके साथ रेप किया था। उनके नाम मुकदमा भी दर्ज था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पीड़िता आज इसी सिलसिले में रायबरेली जा रही थी। सुबह 4 बजे के करीब के बाहर खेत में कुछ लोगों ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। इस समय उसका इलाज किया जा रहा है प्लास्टिक सर्जन के द्वारा। वो OT में इस समय है, और क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड जब हुआ है तब भी 60-70% बर्न बताया गया था। सर, जो एक्यूज्ड हैं उनकी क्या पोजीशन है अभी? 5 लोगों को नामित किया गया था, जिसमें से पुलिस टीमों द्वारा तत्काल दबिश करके 4 लोगों को अपने कस्टडी में लिया जा चुका है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कल देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ झूठ बोला कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है। भाजपा नेताओं को भी अब फर्जी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ उन्नाव की घटना का भी जिक्र किया है।